कुंडा जिले में पकड़ी गई शराब बनाने वाली फैक्ट्री। कुंडा क्षेत्र के हतीगवा थाना क्षेत्र में पकड़ी गई अवैध शराब की फैक्ट्री, जिसमें गुड्डू सिंह की बताई जा रही है। वे यही गुड्डू सिंह हैं जो 2013 में मोहदी नगर में सीओ हत्याकांड का और वहां के प्रधान नंदी यादव और उनके भाई की हत्या का मुख्य आरोपी भी हैं। कुंडा तहसील क्षेत्र के लगभग 80% सरकारी शराब की दुकानों का संचालन भी करता है। उसी सरकारी शराब की दुकान में इसके द्वारा बनाई गई नकली शराब की बिक्री पिछले कई वर्षों से अनवरत जारी है। उसी का नतीजा है कि आज गुड्डू सिंह के पास अकूत अवैध संपत्ति बन गई है। ऐसे अपराधियों पर कब कार्रवाई करेगी योगी सरकार? आखिर किसके इशारे पर चल रहा था शराब बनाने का गोरख धंधा? यह बहुत ही गंभीर विषय है। आगे ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती तो आम जनमानस का भरोसा कानून के ऊपर से उठ जाएगा। इसके पहले भी कई बार अपराधियों का नाम नकली शराब बनाने में आ चुका है, फिर भी अपनी ऊंची पहुंचने के कारण ये बड़े अपराधी बच निकलते हैं। क्या इस बार भी यही होगा या योगी सरकार का चावो किन अपराधियों पर चलेगा? स्टार 7 टीवी न्यूज के लिए कुंडा से निखिलेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।